हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 16C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्मूलास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, जैसे हम पहले कल हमने किया था, एरिया कैसे निकाला था हमने, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर लेंथ निकालिए तो हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ। इसी तरह अगर ब्रेथ निकालिए तो एरिया अपॉन लेंथ, दोनों में से एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया दिया हुआ 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ निकालनी है इसमें, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ का फॉर्मूला एरिया अपॉन ब्रेथ, सिंपल एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट, एरिया दिया हुआ 315 mm स्क्वायर, लेंथ दी हुई है 21 mm, ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ का फॉर्मूला वही एरिया अपॉन लेंथ, 315/21 कटिंग करके आ जाएगा 15 mm। ठीक है, सिंपल फॉर्मूलाज है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें मैं क्या निकाला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर निकालना है, एरिया में दिया हुआ है 1050, लेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हमने, पेरीमीटर। ठीक है, निकालना है पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए लेंथ तो हमें दी हुई है, ब्रेथ हमें चाहिए, तो ब्रेथ कैसे निकालेंगे, वही एरिया अपॉन लेंथ करके। तो पहले ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, एरिया अपॉन लेंथ, ब्रेथ आ जाएगी एरिया अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन लेंथ कीजिए, ब्रेथ आ जाएगी कटिंग करके आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 35 दी हुई थी, ब्रेथ हमने फाइंड कर ली 30, दोनों को ऐड करके बन गया 65। 2 × 65 आ गया 130 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर आ गया 130 सेंटीमीटर। इस तरह इसका एक और पार्ट देख लीजिए, डी पार्ट, इसमें हमें एरिया गिवन है 8 × 2/3 mm स्क्वायर, लेंथ दी हुई है 5 × 7/9 mm। ठीक है, तो पहले इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 24 + 2 = 26/3 mm आ जाएगा इसका, 45 + 7 = 52/9 mm आ जाएगा इसका। तो ब्रेथ होती है एरिया अपॉन लेंथ, पहले ब्रेथ निकाल लेंगे, पैरामीटर निकाला हमने इसमें, पैरामीटर 2 × L + B, तो हमें लेंथ दी हुई है, ब्रेथ पहले फाइंड कर लेंगे, ब्रेथ का फॉर्मूला एरिया अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन मतलब डिवाइड, अपॉन में मतलब तो डिवाइड, तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 26/3 / 52/9, एरिया आ गया एरिया डिवाइड बाय लेंथ, एरिया डिवाइड का बन जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल 9/52, इसको सोल्व करके 3 × 9 26 × 52, तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 3/2, यानी कि 1.5 mm, इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 × L + B, 2 × लेंथ हमें कितनी दी हुई है 52/9, ब्रेथ हम ये ले लेंगे 3/2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली ले लेंगे पहले। ठीक है, 2 × यहाँ पे 9 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करके आगे 52 × 2 बन जाएगा 104, 9 × 3 = 27, इनको ऐड करके बन जाएगा 131। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग हो गया 2 × 9 = 18, 131/9 आ जाएगा, इसको फिर दोबारा हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा डिवाइड यहाँ किया हुआ तो आ जाएगा 14 5/9 mm। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।